सभी को मेरा नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रमा जोशी, ज्योतिषी, रेकी हीलर, वास्तु कंसल्टेंट, अंक शास्त्री और ऑरा रीडर। अगर आप लोग अपने आप को हमेशा अकेला सा महसूस करते हैं, भीड़ में भी अकेला महसूस करते हैं, आपको लगता है कि कोई आपके साथ नहीं है, तो ये वीडियो जरूर देखिए। अकेले में और एकांत में क्या फर्क है वो भी समझिए, और क्यों आपको ऐसा लगता है वो भी जानिए, और ज्योतिष के संदर्भ में हम इस चीज को कैसे लेंगे वो भी हम समझेंगे। देखिए क्या होता है, कभी कभी व्यक्ति अपने आप को हमेशा अकेला महसूस करता है, कहीं भी जाता है कि मैं अकेला ही हूं, कुछ उसे बोलो कि नहीं, कोई मेरे लिए नहीं करेगा, यही उसके अंदर भावनाएं आती रहती है। आप उसे फैमिली के साथ बिठा दीजिए, आप उसे भीड़ में बिठा दीजिए, आप उसे कहीं भी भेज दीजिए, वो अपने आप को अकेला ही महसूस करता है। उसको लगता नहीं है कि मैं इतने सारे लोगों के साथ हूँ, या मैं पार्टी में हूँ, या मैं कहीं और हूँ, अच्छी खासी फैमिली है, उसके बाद भी एक अकेलापन होता है। तभी बैठा बैठा खाली वो फोन पे व्हाट्सएप देख रहा है, या फिर अपना फेसबुक देख रहा है, फालतू के मैसेजेस, फालतू की चैट, जिनका कोई मीनिंग, क्यों? क्योंकि वो अकेलापन है अंदर, उसको भरने के लिए कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, या मैं अकेली हूँ, मुझे कुछ चाहिए, मैं किससे बात करूँ, मैं किससे अपने आप को शेयर करूँ, मैं कैसे अपनी कंप्लीटनेस को पाऊँ। देखिए अगर ज्योतिष की बात करें तो अकेला हम जोड़ेंगे ये केतु से, और एकांत में रहना हम जोड़ेंगे शनि से। ये थोड़ा सा एक अलग पॉइंट है, यहाँ पे हम बात अभी अकेला करने की कर रहे हैं, इसको भी मैं भी बताऊंगी। जब हम अकेला अकेला महसूस करते रहते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम अपने आप को टाइम नहीं दे रहे, हम अपने आप को बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, हम अपने साथ टाइम नहीं बिता रहे, इसीलिए हमें ऐसा लग रहा है। मैं ऐसा बोलूंगी तो कई लोग कहेंगे नहीं, हम तो खूब अपने साथ टाइम बिताते हैं, हमने इतना टाइम यहाँ पे पिक्चर देखी अपने लिए, हमने एंजॉय किया, टाइम अपने लिए स्पेंड किया, हम घूमे, हम मॉल में गए, बहुत सारी हमने चीज़ें करी। कुछ बोलूंगी तो बहुत सारी वो चीज़ें बता देंगे, लेकिन इसे अपने साथ टाइम स्पेंड करना नहीं कहेंगे। आप जब मेडिटेट कर रहे हैं, आप सिर्फ अकेले हैं, आप एकांत में अपने साथ बैठे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने शरीर को समझ रहे हैं, अपने शरीर की एक एक गतिविधि को समझ रहे हैं, तब आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। जब हम मेडिटेट करते हैं ना, तब हम एकदम शांत होके, हमें कुछ नहीं सुनाई देता, हमको सिर्फ हमारे शरीर की एक एक छोटी से छोटी एक्टिविटी पता चलती है। कहीं कुछ दर्द हो रहा होगा वो महसूस होता है, कहीं कुछ स्पंदन हो रहा होता है, वाइब्रेशंस होती हैं वो महसूस होती हैं, पहले आसपास की आवाज़ें आती हैं, फिर बंद हो जाती हैं, फिर अपने शरीर के बारे में हमें पता चलता है, फिर मन से हम जुड़ते हैं, हमारे मन में जो चल रहा होता है, खूब सारी चीज़ें वो हमारे मन में आती है, और फिर हम अपनी आत्मा से जुड़ते हैं अंदर से। ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जब हम अकेले बैठते हैं ना, ये सारी चीज़ें हमें महसूस होती हैं। तो देखिए अगर हम अपने साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहे, अगर हम खुद को टाइम नहीं दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अंदर से हमेशा अकेलापन ही लगेगा। अगर हम अपने आप को अच्छे से टाइम दे रहे हैं, हम रेगुलर मेडिटेशन कर रहे हैं, थोड़ी देर शांत होकर अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अपने शरीर से, मन से, आत्मा तक पहुंच सकें, और अपनी आत्मा की उस भूख को भी शांत कर सकें, अपनी सारी शक्तियों को एकत्रित कर सकें और उस परम शक्ति से जोड़ सकें। जब हम अपने लिए टाइम निकालते हैं ना, तब हम अकेला नहीं महसूस करते किसी भी भीड़ में। जब भीड़ में जाते हैं तो हमें अकेला नहीं रहना है, हमें लोगों के साथ मिलना है, जुड़ना है। जो ज्योतिष में बुद्ध के हिसाब से, अगर हम वहाँ ऐसे कोने में बैठ गए, सड़ी सी शक्ल बना के बैठ गए, हम किसी से बात ही नहीं कर रहे, मूड नहीं, क्या फ़ायदा, और हम नेगेटिविटी जनरेट करें, या फिर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, हम ऐसे बैठे, हमसे कोई बात ही नहीं करेगा, तो ये चीज़ें हमें भी नेगेटिव बनाती हैं, उस एटमॉस्फेयर को भी नेगेटिव बनाती हैं जहाँ हम जा रहे हैं। जब हम भीड़ में हैं तो हमें लोगों से कोऑर्डिनेट करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, जुलना चाहिए, हंसना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अपने लिए वो स्पेस खुद को नहीं दे रहे। इसीलिए जब आप भीड़ में भी जा रहे हैं तो वो स्पेस की जो एक तड़प है ना, वो जो एक आपको एक जगह
देनी चाहिए खुद को, वो आप नहीं दे रहे, तो वो स्पेस की आपकी तड़प, जगह की तड़प हर जगह रहेगी। आप खुद के अंदर एक एक टूटा हुआ सा महसूस करेंगे, भटका सा महसूस करेंगे, वो संपूर्णता नहीं आएगी। संपूर्णता तभी आती है जब हम खुद से खुद को मिलाते, हम सबसे मिलते हैं खुद से नहीं मिलते, इसीलिए मेडिटेशन करनी बहुत जरूरी है। आप मेडिटेशन करेंगे ना, आप देखिए आप लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आप बात करेंगे, बातचीत करेंगे, आप हर एक के साथ, मतलब आप जब किसी सिचुएशन में जा रहे हैं आप वहां से सही तरीके से रिएक्ट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप भागेंगे, चीजों से बचेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। तो एकांत में खुद के लिए समय बिताना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप एकांकी फील करेंगे किसी भी जगह पे जाके। देखिए एकांत में समय बिताना ज्योतिष के हिसाब से शनि से जुड़ा हुआ, एकाग्रता, एकदम बिल्कुल अपने अंदर एकदम भर देना कि हम कहीं और ध्यान नहीं दे रहे, हम बिल्कुल फोकस हो गए, ये शनि से जुड़ा हुआ। ठीक है, जिनका शनि मजबूत होता है ना, एक मिनट में उनकी मेडिटेशन शुरू हो जाती है, एकांत, वो एकदम एकांत में बैठ के ध्यान लगा लेते हैं। ऐसा होता है जब आपका शनि ठीक नहीं है ना, तो आप मेडिटेट भी नहीं कर पाते ठीक से, आप अपने आप को फोकस नहीं कर पाते। वो फोकस देता है शनि, वो फोकस देता है जब आप कर पाते, वो जरूरी है। और देखिए केतु है अकेला, केतु किससे जुड़ा है, छोटे से छोटे कण से जुड़ा है, एटम मॉलिक्यूल्स, जो सबसे छोटा कण होता है जिनसे कोई चीजें बनती हैं, हर चीज इस दुनिया की इन्हीं छोटे छोटे कणों से बनी हुई है। वो अपने आप में संपूर्ण भी होता है कण, और किसी और से मिलके और चीजों का निर्माण भी करता है। तो केतु वो छोटा सा कण है जो कि अकेला है, ठीक है, जब वो किसी से मिलेगा तब वो कुछ और बन जाएगा। जब अपने आप में केतु वो छोटा सा कण है, हमारे उस अकेलेपन से केतु जुड़ा हुआ है। अगर हमारी कुंडली में कहीं चंद्रमा और केतु का संबंध आ जाता है तो भी हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। अगर हमें केतु की दशा चल रही है तब भी हम खुद को महसूस करने लग जाते हैं कि नहीं हम अकेले हैं, कुछ इस तरीके से। देखिए हमारे मन पे जिस भी चंद्रमा पे जो भी ग्रह होंगे उसका इफेक्ट रहेगा, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं एकांत में समय बिताने की, एकाग्रचित होने की, फोकस होने की। अगर हम ये काम नहीं करते, देखिए आप 15 मिनट्स भी कर सकते हैं अपनी मेडिटेशन, 20 मिनट भी कर सकते हैं, आधा पौना घंटा, एक घंटा बहुत है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे ना, तो ये अकेलापन जो आपके अंदर लगता है ना, हमेशा वो लगेगा। आप बाहर जाकर भी ठीक से नहीं एंजॉय कर पाओगे, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाओगे, अंदर की वो जो एक खोखलापन, एक भूख है, एक तड़प है खुद से मिलने की, वो आपको परेशान करके रखेगी, और आप उस भीड़ में भी अपने आप अपने से मिलने के लिए अलग थलग हो जाओगे, है ना, अजीब सी बात। तो अपने बारे में सोचो, खुद को टाइम दो। हमारे वेदों में, शास्त्रों में पहले से इन सारी चीजों का ज्ञान कहा गया। आप देखिए इतना ये दुनिया का ज्ञान, विज्ञान, इतनी सारी बातें जो है बता रहे हैं, चंद्रमा में पानी है, आज बताया इन लोगों ने कुछ साल पहले, हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दिया था। कैसे कहा, इस ध्यान की शक्ति से, ये ध्यान जब आप लगाते हैं तो शक्ति से आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं, आप अंतर्ज्ञानी हो जाते हैं, आप अपने आप को समझने लग जाते हैं, वो जो भटकाव है वो खत्म होता है, आपके अंदर की जो एक भूख है वो शांत होती है। देखिए मेडिटेशन जरूर करिए, आप वेज कर खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, आप कुछ भी करें मेडिटेशन जरूर करिए। लोग कहते हैं नहीं मेडिटेशन नहीं करें अगर आपने नॉन वेज खाया, करिए मेडिटेशन करिए, आपका मेडिटेशन ही आपको सारी विकृतियों से दूर कर देगा, अगर वो आपके लिए विकृति होगी। अगर आपके शरीर के लिए अभी जरूरत होगी नॉनवेज की तो वो नहीं दूर करेगा, धीरे धीरे वो आपके सिस्टम को अपडेट करेगा, ठीक करेगा, आपकी मानसिकता को ठीक करेगा, आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा। देखिए आपको ये करना ही चाहिए और ये करना ही पड़ेगा, तभी आप अपने आप को ग्रो करके एक सेटिस्फाई आदमी बना पाएंगे, इंसान बना पाएंगे। देखिए ऐसे ही बहुत सारी चीजें मैं बहुत ही सरल भाषा में ज्योतिष की, रेखी की, अंक शास्त्र की, वास्तु की, आपके औरे की मैं लेकर के आती हूँ। तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत ही सरल भाषा में सारी वीडियोज देखिए, वीडियो
अच्छी ही है, लाइक जल्दी से कीजिए, कमेंट कीजिए। और देखिए, अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, ऑरा दिखाना चाहते हैं, तो मुझे मैसेज भेज सकते हैं। ज्योतिष, अंक शास्त्र और रेखी, ये तीनों चीजों की अभी मैं क्लासेस ले रही हूँ। अगर आपको कुछ भी सीखना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारी चीजों के साथ मैं आती रहूंगी। तब तक अपना सम्मान कीजिए, अपनों का सम्मान कीजिए। मैं रमा जोशी।